वाराणसी दर्शन की श्रृंखला में हम आठवीं शक्तिपीठ अर्थात विशालाक्षी माता के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़े। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु जाने वाली गली नंबर 2 में हम प्रवेश किए। लेकिन अब आप कहेंगे कि जाना विशालाक्षी माता है तो काशी विश्वनाथ की गली नंबर 2 में क्यों घुस गए भैया? इसी गली में सबसे पहले माता त्रिपुर भैरवी, उसके बाद माता विशालाक्षी, उसके बाद जाकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। त्रिपुर भैरवी माता का दर्शन आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं आठवीं शक्तिपीठ विशालाक्षी माता के दर्शन हेतु। इन तंग सकरी गलियों में हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मन में कामना है कि माता विशालाक्षी का दर्शन लाभ प्राप्त होना है, माता विशालाक्षी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, और सबसे बड़ी बात आठवीं शक्तिपीठ माता विशालाक्षी का दर्शन लाभ प्राप्त होने वाला है। श्री काशी विशालाक्षी मंदिर का एक बोर्ड दिखाई दिया, बोर्ड में बाईं ओर मुड़ने का निशान दिखाई दिया। हम इसी सूचना को ग्रहण करते हुए आगे की ओर बढ़े और अंततः माता विशालाक्षी के दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश किए तो साउथ इंडियन भक्तों की विशाल भीड़ दिखाई दी। सबसे पहले हम मंदिर का अवलोकन किए, अत्यंत भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से माता विशालाक्षी के इस दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए एक एक करके मंदिर के संपूर्ण क्षेत्र का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से हमें दक्षिण भारतीय भक्त अधिक संख्या में दिखाई दिए। बाकी क्षेत्र के भी भक्त थे लेकिन दक्षिण भारतीय भक्त अधिक दिखाई दिए। दक्षिण भारतीय शैली पर कुछ लिखा हुआ है जो हमें समझ में नहीं आया। यहाँ हमें एक नेम प्लेट दिखाई दिया, श्री धन दयुथा पानी। यह धन दयुथा पानी कौन है, इनके बारे में बहुत अधिक तो बता पाना संभव नहीं है क्योंकि मुझे स्वयं भी नहीं पता है। लेकिन नीचे में यह जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, यह धन दयुथा पानी की ही प्रतिमा है। भक्तगण यहाँ पर इन्हें हल्दी अर्पित कर रहे हैं। हल्दी अर्पित करने के साथ साथ यहाँ अर्पित हल्दी को भी भक्तगण उठा करके ले जा रहे हैं। इसका क्या उपयोग है यह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भक्तों की गतिविधियां हम देखे वह आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में ही, मंदिर के बरामदे में ही कई शिवलिंग भी स्थापित हैं, लेकिन यहां पर शिवलिंग के ऊपर हल्दी भी चढ़ा हुआ दिखाई दिया। यह हम बाद में गौर किए, वीडियो बनाते समय गौर नहीं कर पाए थे, नहीं तो इसे भी हम पंडित जी से पूछे होते कि आखिरकार शिव जी के ऊपर हल्दी कैसे अर्पित हो रहा है, जबकि शिव जी को वर्ष में एक बार सिर्फ शिव नवरात्रि के समय ही हल्दी अर्पित किया जाता है। इसके पीछे कोई कारण होगा जो हमें ज्ञात नहीं हो पाया। आप एक एक करके अनेक शिवलिंगों का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। विशालाक्षी माता आठवीं शक्तिपीठ हैं। जब यहाँ शक्ति विराजित हैं तो शिव का होना भी अनिवार्य है। इस मंदिर में आप जब भी आएंगे तो शिव और शक्ति दोनों का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त होगा। शिव और शक्ति का दर्शन एक साथ तो उनके पुत्र गणपति गजानन का भी तो दर्शन हो गया। प्रेम से बोली गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद हम माता विशालाक्षी के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किए। गर्भगृह के ठीक सामने में एक बड़ा सा श्री यंत्र दिखाई दिया। श्री यंत्र को प्रणाम करने के बाद हम माता विशालाक्षी का प्रेम पूर्वक दर्शन लाभ प्राप्त किए। माता विशालाक्षी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए काशी नगरी में विराजित हैं। आप विशालाक्षी माता के जिस रूप का, जिस प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, यह स्थापित प्रतिमा है। अभी कुछ वर्षों पूर्व ही इनकी स्थापना हुई है।
अब बात यह होती है कि जब यह स्थापित प्रतिमा है तो मूल प्रतिमा कहाँ है। जी हाँ, आप जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, आपके सामने जो बड़ी सी प्रतिमा दिखाई दे रही हैं, यह स्थापित विशालाक्षी माता हैं और इन्हीं के ठीक पीछे में आप मुख्य एवं आदिकालीन विशालाक्षी माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। वे आदिकालीन प्राचीन प्रतिमा हैं, वही मूल विशालाक्षी हैं। साधारणतया लोग जब भी मंदिर में जाते हैं, सामने वाली प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात ही नहीं होता है कि प्रतिमा के पीछे में मूल विशालाक्षी माता है। आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन लाभ प्राप्त किए। ये काशी विशालाक्षी का मंदिर है, माता विशालाक्षी यहाँ पे गौरी में निवास करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो माताएं हैं, आगे वाली भी विशालाक्षी माँ है, पीछे भी विशालाक्षी माँ है। आगे वाली का स्थापना किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा किया गया था शंकराचार्य द्वारा, और जो पीछे वाली माँ है वो आदि माता है, वही स्वयंभू शक्तिपीठ है। अभी आप पीछे में जिन प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, वे स्वयंभू एवं आदिकालीन प्राचीन प्रतिमा हैं। काश्याम विशालाक्षी गौरी मुखम निवासी, इधर सती माँ का मुख निवास करता है। काशी में दोनों है, ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ बाबा भी हैं और शक्तिपीठ माँ विशालाक्षी माँ। और ये मेनली जो टेंपल है ये पूरा दक्षिण भारत आता है। माता विशालाक्षी का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद हम पुनः उसी गली में वापस आए और बाहर की ओर निकल आए। अब शेष बचे हुए दर्शनीय स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए आगे की ओर प्रस्थान कर गए। यदि आप वाराणसी का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि वाराणसी का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें।